जी गुड इवनिंग जय हिंद स्वागत है आप सभी का कैसे हो आप लोग सभी सो so, संडे के बाद आज हफ्ते की शुरुआत नए टॉपिक के साथ आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्यूब रूट घनमूल और कुछ ही सेकंड में बल्कि बोलना चाहिए तीन सेकंड्स में तो दो से तीन सेकंड के अंदर जो है आप किसी भी संख्या का घनमूल मतलब क्यूब रूट निकाल सकते हो छो, छोटा सा टॉपिक है मे भी आज हमारा जो सेशन है पंद्रह बीस मिनट या आधे घंटे में ही फिनिश हो जाए तो इसको करेंगे और उम्मीद है कि इसके पुराने के जितने भी अपने पुराने सेशन है वो आप सभी देख रहे होंगे और सारे वीडियो सारी क्लासेज आपकी काफी हेल्प कर रही होंगी तो आइए शुरू करते हैं और सबसे खास बात कल की रेशो की जो अपनी चार घंटे की लगातार मैराथन क्लास थी मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें भी आपको एकदम आनंद आया होगा अच्छा सभी परिया और हमारे सभी हेलीकॉप्टर आ गए हैं ना आ गए हो तुम लोग उड़ते उड़ते हैं। देखो कल ये होने वाला है तो कल शाम को आपने शेड्यूल में देखा होगा कल हम आपको कैलकुलेशन की कुछ अद्भुत ट्रिक्स टेक्निक सिखाएंगे स्पीड कैसे बढ़ाते हैं तो कल का सेशन भी मिस मत करिएगा कल आपको ये सिखाएंगे और इस संडे मैराथन क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की और वो इसी चैनल पर होगी अपनी आदित्य पटेल विनर्स वाली चैनल पे आप जानते ही हैं छः बजे हम आपको यहां मिलते हैं नौ बजे आपको इस वाली चैनल पे मिलते हैं और डीआई चल रहा है विनर्स की चैनल पर पीडीएफ कहां मिलेगी क्लासेस की तो टेलीग्राम चैनल पर अपनी ये टेलीग्राम चैनल है क्लास खत्म होने के दो मिनट के अंदर आपको पीडीएफ यहां पे मिल जाती है ठीक है जी ओके चलो आ, आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं आज का जो वीडियो है ये मेरे लिए आ, काफी स्पेशल है क्योंकि यूट्यूब आ, बोलना चाहिए कि यूट्यूब का जो करियर है या YouTube पर मैंने जो अपना जीवन में पहला वीडियो डाला था वो वही वीडियो डाला था जो आज मैं लाइव पढ़ाने जा रहा हूं तो आज से ठीक तीन साल पहले एक जून 2018 में हमने क्यूब रूट घनमूल का वीडियो डाला था आप यहां देख सकते हैं और इस पे 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख व्यूज हैं तो तीन साल पहले मैंने अपने YouTube करियर की शुरुआत जो है इसी वीडियो के साथ करी थी तो आज का सेशन मेरे लिए वैसे भी काफी स्पेशल था क्योंकि हम वापस बोलते ना इतिहास वापस रचने जा रहे हैं तो इसी के साथ YouTube वीडियो की शुरुआत करी थी और आज वही चैप्टर हम दोबारा पढ़ा रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है इस वीडियो को सपोर्ट करा है अपना प्यार दिया है है ना चलिए आइए शुरू करते हैं है ना? शुरुआत का जो स्ट्रगल होता है वो हमेशा याद होता है मैं आपको एक एक अच्छी बात बता देता हूँ इस वीडियो से जुड़ा हुआ आ, उस समय हमारे पास बस एक कैमरा था कोई माइक नहीं था वीडियो एडिट करना नहीं आता था है ना कोई टीम नहीं थी कुछ नहीं था बस ये था कि यार वीडियो बनाना है है ना आ, लोगों को बताना है कि मैथ्स में भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूं आपको भी जान के हंसी भी आएगी यहां जो माइक आप यूज कर रहे हो एक्चुअली बस ये माइक दिख रहा है ये चल नहीं रहा है है ना ये माइक बस हमने लगा लिया था ताकि सभी को लगे कि माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन ये माइक बंद है हमारे पास माइक था ही नहीं ये क्लास में पढ़ाने वाला माइक होता है जिस जो कैमरे से कनेक्ट होता नहीं है तो ये बस दिखने का है बाकी इसका कोई रोल नहीं है ये माइक बंद था है ना पहले वीडियो में फिर हमने दो तीन वीडियोस बनाए फिर थोड़ा सीखा फिर एक जैसे तैसे कहीं से माइक अरेंज करा फिर दिल्ली से मैंने एक माइक बुलवाया था फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सीखते गए और आपको जान के एक और चीज मतलब आश्चर्य होगा आपको मतलब अच्छा भी लगेगा विनर्स की यूट्यूब चैनल पे लगभग शुरुआत के जो सौ से ज्यादा वीडियोस हैं उनको सबको एडिट में खुद ही करता था क्योंकि हमारे पास कोई एडिटर्स होते नहीं थे कोई टीम होती नहीं थी ठीक है तो हमने एडिटिंग सीख ली सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया तो लगभग जब विनर्स की चैनल पे एक से डेढ़ लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे ना मतलब लगभग हमने मोर देन हंड्रेड वीडियोस डाल दिए थे तब तक एडिटिंग में ही करता था तो आप विनर्स के शुरुआत के जितने वीडियोज देखोगे ना सब एडिटिंग अपने ही हाथ की है, है ना फिर उसके बाद जब लगा कि नहीं यार अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर हमने एडिटर रखा और उसके बाद से फिर चीज़ें चलती गई बाकी शुरुआत का सब अपने हाथ का ही निकला हुआ है ठीक है चलिए जी आ जाइए फिर किसी दिन और कभी आपको बताएंगे यूट्यूब की पूरी कहानी है ना अगर आपको यूट्यूब की दुनिया में भी भविष्य बनाना है तो ओके <laughs> माइक अभी चालू है ना अब वो वो जमाना नहीं है अब अब माइक चालू है उस समय माइक खरीदने का भी पैसा नहीं था आज की डेट में आप जो मेरे पास माइक देखते हैं इस ये अकेला माइक जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का है है ना इस माइक की बहुत सारी खूबियां हैं आवाज़ ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी सुनाई देती होगी ये माइक आसपास की कोई आवाज़ नहीं लेता है ये जो माइक मैं यूज़ करता हूँ ये अकेला पच्चीस हज़ार का माइक है है ना जो कैमरा मैं यूज़ करता हूँ वो कैमरा जो है डेढ़ लाख का है जो डिजिटल बोर्ड में यूज़ करता हूँ ये जो बोर्ड है लगभग चार लाख रुपए का है जो कंप्यूटर में यूज़ करता हूँ कंप्यूटर शायद एक लाख सत्तर हज़ार या एक लाख अस्सी हज़ार का है पर तीन साल पहले इनमें से कुछ भी नहीं था है ना इसके बिना ही हमने अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी थी ठीक है चलिए चलो अब और बाकी पर्दे नहीं खोलते बाकी राज को राज ही रहने देते हैं और आपको क्यूब रूट सिखाते हैं किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सिखाते हैं कि कितने आसानी से एक्चुअल में तीन सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हो शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं कि हम केवल इस मेथड से परफेक्ट जो क्यूब रूट होंगे उन्हीं को निकाल सकते हैं ऐसे नहीं कि रेंडम हम कोई भी संख्या लिख दें हम उसी संख्या का घनमूल तीन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं जो रियल में रियल में हो नहीं तो ऐसा नहीं कि आपके मन में आया सर अगर नाइन टू फाइव एट होता तो इसको हम नहीं निकाल सकते इसका नहीं निकाल सकते और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो एग्जैक्ट देते हैं परफेक्ट देते हैं तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा आप ईमानदारी से अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं ठीक है चलो आ जाओ जरा देखो आपको मेरा सजेशन हमेशा मैंने कहा है कि आपको एक से लेकर बीस तक के क्यूब्स तो याद होने चाहिए एक से लेकर अगर बीस तक के घन आपको याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप मोर देन टू हंड्रेड तक के भी कोई नंबर्स अगर आ जाते हैं आराम से आप निकाल सकते हो अगर आपको 10 तक के क्यूब्स याद हैं तो आप 100 120 तक के कोई नंबर्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उनका आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हैं देखिए हमें पता है वन का क्यूब वन होता है टू का क्यूब एट होता है थ्री का 27 4 का 64 5 का 125 6 का 216 7 का 343 8 का 512 9 का 729 8 का सॉरी uh, नाइन का सेवन ट्वेंटी नाइन और हमारे टेन का क्या हो जाएगा थाउजेंड इतनी बात ठीक है अब यहां पर आप एक चीज देखिए इसका रूल बस इतना होता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो हमेशा आपको केवल एक ही काम करना है लास्ट के तीन डिजिट आखरी के तीन अंक आपको हमेशा अलग करने हैं मैं आपको तीन चार एग्जाम्पल्स सिखाऊंगा तीन या चार एग्जाम्पल्स के बाद शायद ही ऐसा कोई नंबर हो जो आप में से कोई भी ना कर पाए तो तीन या चार एग्जाम्पल्स तक थोड़ा सा बस मुझे आप सुन लीजिए उसके बाद फिर आपको ही बोलना है मुझे कुछ बोलने का काम खत्म हो जाएगा पांच मिनट का ट्रिक नहीं है और निकाल जब आप सीख जाओगे तो तीन सेकेंड से ज्यादा की चीज नहीं है देखिए कितने भी अंकों की संख्या हो यहां अच्छी बात क्या है चार डिजिट का नंबर हो पांच का हो छह का हो दस का हो कितने भी डिजिट का नंबर हो केवल इतना सा रूल है कि लास्ट के थ्री डिजिट जो है आपको अलग करने हमेशा और उसके बाद इधर कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता सबसे लास्ट में क्या आ रहा है वन और आपको वन का क्यूब करना है सबसे लास्ट में जो आ रहा है उसका भी क्यूब करना है तो वन का क्यूब क्या होता है जी वन होता है इन तीनों का काम खत्म इनका काम खत्म अब इसके आगे क्या करना है वो सुनिए अब इसके बाद आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है नौ। अब आपको भाई पहली स्टेप तो ये हो गई दूसरी स्टेप क्या होती है आपको रेंज देखनी होती है कि ये किस रेंज में आ रहे हैं बस ये डिफरेंस है ठीक है जी तो आप मुझे बताइए कि नौ जो है आप कहेंगे सर टू का क्यूब एट होता है और थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन होता है और हमारा नाइन इन दोनों के बीच में आता है मतलब ये टू और थ्री के बीच में आता है और इसमें आपको हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है ऑलवेज स्मॉलर नंबर जो छोटा वाला नंबर है वो लेना है छोटे वाले नंबर से मतलब क्या है कि टू और थ्री के क्यूब के बीच में आ रहा है आपको छोटा नंबर लेना है छोटा क्या है टू तो आप यहां लिख देंगे ट्वेंटी वन और आप बिंदास बोल दोगे कि सर ये ट्वेंटी वन का क्यूब है ये स्क्वायर रूट निकालने से हजारों गुना आसान है एकदम आसान है कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है हा समझ में आया क्या करना है अभी मैं दो तीन एग्जाम्पल जोर दूंगा थोड़ी सी शांति रखना आप बहुत ही गजब की मतलब आज बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला है आज आपको बड़ा आपका दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाएगा आप भी बोलोगे यार कमाल की चीज सीखी आज तो आखिरी वाली संख्या का क्यूब वन का क्यूब वन और तीनों नंबर का काम खत्म अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है फिर मुझे देखना है ये किस में आता है किसकी रेंज में आता है तो ये आठ और नौ आठ और सत्ताईस के बीच में दो और तीन के बीच में हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है इतने में आपका काम खत्म अब आपको लेकर चलते हैं आगे ठीक है अभी मैं आपको जो करवा रहा हूं आप बस वही करना आप अभी आगे मत बढ़ना है ना थोड़ा मेरे साथ साथ चलना आगे के नंबर्स पे आप मत जाना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इनको मैं हटा भी देता हूं कुछ बच्चे मानेंगे नहीं बीच बीच में ये आया मेरा आंसर वो आया तो हटा ही देते इनको है ना चलो अब आप जरा इस पर ध्यान दीजिए यहां पर आपसे क्या कहा गया है देखिए फाइव एट थ्री टू रूल नंबर वन आखिरी के तीन अंक अलग कर दो ठीक है आखिरी के तीन अंक अलग कर दो तो ये आपने अलग करा आखिरी में आया दो इसका घन लेना है दो का घन क्या होता है जी तो दो का घन होता है आठ इतना समझ गए या नहीं समझे टू का क्यूब क्या होता है तो आपने कहा एट इनका काम खत्म अब आपके पास है फाइव तो आप कहेंगे सर वन का क्यूब वन होता है टू का क्यूब एट होता है हमारा फाइव तो इन दोनों के बीच में है मतलब वन और टू के बीच में है और आपको मैंने बोला छोटा वाला नंबर लेना कुछ भी हो जाए छोटा नंबर ही लेना है तो एक और दो में छोटा नंबर क्या होता है एक और दो में छोटा नंबर एक होता है आप बिंदास कहोगे कि सर ये एट्टीन का क्यूब है ये आपके प्रश्न का आंसर है है ना एक बार जल्दी से यस या नो में मुझे बताइए जिन्होंने लाइक नहीं करा है वो लाइक करो थम्सअप मारो समझ में आया हा या ना जल्दी बताएं फिर आपको आगे लेकर चलते हैं ओके ठीक है डन है अरे आठ और सत्ताईस के बीच में नहीं आएगा एक और दो के बीच में आएगा एक और दो के क्यूब के बीच में आएगा ओके ठीक बढ़िया चलो अब आपको लेकर चलते हैं खुल जा सिम सिम इसको करके बताओ सेवन फोर जीरो डबल एट पहले आप करके बताओ नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही आपको और मैं दोबारा बोल रहा हूं यह केवल परफेक्ट नंबर्स पर ही काम करेगा और एग्जाम में भी वही आते हैं तो आप चिंता ना करें आठ की जगह नौ आ गया तो वो किसी का होता ही नहीं तो क्यों आएगा जो है वही नंबर आपसे पूछा जाएगा ओके जी थैंक यू थैंक यू ठीक है अब सुनिए सबसे पहले मैंने क्या कहा लास्ट के तीन डिजिट अलग और इधर जो भी बचे है ना आखिरी में एट आया है अब एक चीज सुन लेना एट का क्यूब आठ का घन होता है पांच सौ बारह लेकिन आपको इतना कुछ नहीं लिखना है उसका भी केवल क्या लेना है उसका भी आपको लास्ट डिजिट ही लेना है मतलब केवल दो कभी भी आप किसी नंबर का क्यूब करोगे तो आपको बस लास्ट डिजिट लेना है पूरा नंबर नहीं लेना है तो आठ का घन पांच सौ बारह होता है एट का क्यूब फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व होता है उसका केवल दो लिखिए ना कोई कैरी करने की जरूरत कोई हासिल का लेने का नहीं कोई टेंशन नहीं खत्म काम है ना अब इनका काम हो गया खत्म अब आप केवल 74 को देखिए तो आप कहोगे कि सर थ्री का क्यूब जो है 27 होता है और फोर का क्यूब जो है 64 होता है यह तो 64 से बड़ा है मतलब मुझे फाइव का क्यूब लेना पड़ेगा क्या तो हमारा जो 74 है यह इन दोनों के क्यूब के बीच में आएगा और जिनके बीच में आएगा आपको तो छोटा नंबर लेना है कुछ भी हो जाए छोटा नंबर लेना है आप कहेंगे टू का क्यूब है अब आप बताइए ईमानदारी से कितना टाइम आपको लगेगा फिर मैं बता रहा हूं कुछ लोग अभी अभी पधारे हैं मैं फिर से बता रहा हूं आखिरी के तीन अंक अलग करते हैं लास्ट वाली संख्या का क्यूब आठ का घन पांच सौ बारह का बारह उसका भी लास्ट आखिरी वाले डिजिट के क्यूब का भी आखिरी डिजिट है ना तो आठ का घन पांच सौ बारह उसका दो लिख दिया काम खत्म कोई हासिल नहीं कुछ नहीं खत्म सेवेंटी फोर किसके बीच में आता है तो आप कहोगे सर ये सिक्सटी फोर से बड़ा है लेकिन वन ट्वेंटी फाइव से छोटा है चार और पांच के बीच में आता है छोटा नंबर लिख दो दैट सेट चलिए फिर से खुल जा सिम सिम खोल देते हैं ये लो इसका आंसर बता दो जल्दी से मुझे वेरी गुड दस सेकेंड भी अभी आपको लग रहे हैं आखिरी में आज अंत तक आपको दस सेकेंड भी नहीं लगेंगे ठीक है <laughs> चलो टाइम खत्म भाई इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे इतने आसान प्रश्नों में आखिरी में नौ आया है नाइन का क्यूब सेवन ट्वेंटी नाइन होता है लेकिन छ के क्यूब से छोटा है और जिनके बीच में आएगा दो सौ पांच इससे छोटा होता है ना तो पांच और छ में हमेशा छोटा नंबर लेना है आप तुरंत कहेंगे सर ये फिफ्टी नाइन का क्यूब है फिफ्टी नाइन का घन है वेरी गुड बहुत अच्छे फिर आगे लेकर चलते हैं तुम्हें चौथा पिटारा खोलते हैं ये लो इसको करके बता दो खत्म हो गया भाई टॉपिक ही खत्म कुछ भी नहीं है जितना था सब सीख लिया तुमने अब कुछ नहीं बचा इसमें <laughs> दो सेकंड में क्या बात है बताओ जल्दी लास्ट के तीन डिजिट अलग इधर कुछ भी बचे देखो इधर दो डिजिट बचे इधर एक डिजिट बचे इधर तीन डिजिट बचे लास्ट के तीन अलग करते हैं इतना सा खेल है और कुछ नहीं है ओके क्या बात है देखिए जी फोर का क्यूब चार का घन होता है चौसठ इसका केवल चार लिखना है 262. अब अगर आप देखेंगे कि 262 सिक्सटी से बड़ा लेकिन सात से छोटा है है ना सिक्स के क्यूब से बड़ा है 262, लेकिन सेवन के क्यूब से छोटा है और जिनके बीच में हमेशा छोटा नंबर लेते हैं तो आपको यहां पे बस सिक्स रखना है ये चौसठ सिक्सटी का क्यूब है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी ठीक है जी चलो अगला तुम्हें लेकर चलते हैं इसको करो बताइए इसका आंसर मात्र दो सेकेंड ओके चलो डन लास्ट के थ्री डिजिट अलग उसमें भी फाइव है तो यहां फाइव आ जाएगा सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टीन सेवन का क्यूब होता है थ्री फोर्टी थ्री ये तो उससे भी ज्यादा है एट का क्यूब होता है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व आठ का घन होता है आपका पांच सौ बारह और नौ का घन होता है सात सौ उनतीस है ना तो क्या ये इन दोनों के बीच में है क्या तो जिनके बीच में है छोटा नंबर मतलब ये एट्टी फाइव का क्यूब है आपका आंसर आ गया ठीक है डन है गुड नेक्स्ट करके बता दो ये लो इसका आंसर बताओ जल्दी चलो भाई तुम्हें इतना सिखा रहे हैं। लाइक्स की संख्या भी बढ़ाया करो और इस वीडियो के एंड होने के बाद मुझे एक अच्छा सा कमेंट चाहिए है ना बस आपको फीस में कुछ भी नहीं देना है दो ही काम करने होते हैं लाइक कर, कर दो और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जब ये वीडियो एंड हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो के बारे में दो शब्द लिखना है कि कैसा आपको लगा बस इतना सा चार्ज है हमारा इतनी सी फीस है अगर ये आप चुका सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा लेकिन अभी लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड होने के बाद चलिए जी आखिरी में सिक्स आ रहा है तो हमें पता है कि सिक्स ही आएगा क्योंकि सिक्स का क्यूब टू हंड्रेड होता है अब यहां आ जाइए तो मुझे फिर पता है कि टेन का क्यूब जो है टेन का क्यूब होता है थाउजेंड तो ये नौ और दस के बीच में है मतलब ये नाइनटी सिक्स का क्यूब होगा इन टू सेकेंड आपने ये बता दिया है ना चलिए तीसरा ले लेते हैं तीसरा भाई खुल जा सिम सिम ये लो इसको बता दो जरा इस ट्रिक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई नियम कायदे ही नहीं है बस सिंपल सा नियम है लास्ट के तीन डिजिट अलग कर दो और रेंज देख लो कितना तो भी बड़ा नंबर आ जाए कुछ भी आ जाए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं एवर ग्रीन कहीं भी लगा दो उठा के इसको हम्म <laughs> चलो टाइम खत्म लास्ट में क्या है दो है दो का घन टू का क्यूब कितना होता है जी एट इस बार मेरे पास चार डिजिट्स हैं तो मुझे पता है कि इलेवन का क्यूब वन थ्री थ्री वन होता है है ना तो ये वन थ्री थ्री वन से छोटा है लेकिन टेन से बड़ा है तो टेन और इलेवन में छोटा नंबर कौन सा होता है टेन तो ये वन जीरो एट का क्यूब है ये अपना आंसर है 108. कुछ बच्चे डबल वन एट बोल रहे हैं गलती कर रहे हो से तो ये छोटा है ना लेकिन थाउजेंड से बड़ा है तो टेन और हमेशा छोटा नंबर ही लेना है मैं आपको इतनी देर से यही बोल रहा हूं छोटा नंबर ही लो तो छोटा नंबर कौन सा है टेन है टेन को आगे चिपका दो बस हो गया हुँ. अरे वर्ग नहीं करना है कुछ कुछ महान बच्चे जो हैं दो का वर्ग कर रहे हैं तुम्हें किसने बोला वर्ग करने का क्यूब नहीं करते बन रहा है चलो इसको बताओ वेरी गुड <laughs> समझ गए क्या यहां भी लास्ट के थ्री डिजिट अलग सेवन सेवन का क्यूब होता है थ्री फोर्टी थ्री तो उसका आप लिखेंगे ओनली थ्री इनका रोल खत्म हो गया वन डबल फोर टू अब इससे बड़ा होता है तो मुझे ट्वेल्व का क्यूब याद है जो होता है वन सेवन टू एट तो इलेवन सत्रह सो से छोटा है लेकिन तेरह से बड़ा है और ग्यारह और बारह में छोटा ग्यारह होता है इलेवन होता है आंसर इज वन वन थ्री एक सौ तेरह बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट धुआंधार शानदार जवाब आपका है यह ठीक वेरी गुड चलो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है इसकी पीडीएफ आप अपनी इस टेलीग्राम चैनल से अभी डाउनलोड कर लेना मैं वहां पे अपलोड कर रहा हूं कल हम मिलेंगे कैलकुलेशन ट्रिक्स में और कल की क्लास में आपको जो आनंद आने वाला है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो बस टाइम पर आ जाना छह बजे आ जाना कल आपको इतनी शानदार कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं है ना स्पीड जो आपकी मेन समस्या है ना स्पीड कैसे बढ़ाएं कल सिखाएंगे तुम्हें कि कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं उसका क्या फंडा है ये आपको सिखाएंगे और रात को नौ बजे आ जाओ डीआई अगर सीखना है जीवन भर के लिए टेंशन खत्म करना है तो नौ बजे विनर्स की चैनल पर आ जाओ यहां डीआई पढ़ाएंगे और छह बजे रोज यहां आ जाया करो यही महीना है भाई देखो थर्टी मई तीस मई हमारी आखिरी क्लास है इसके बाद फिर नहीं पता यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो पढ़ाना तो छोड़ेंगे नहीं लेकिन यूट्यूब पे जितना रेगुलर और जितनी ज्यादा क्लासेस में इस बार ले रहा हूं इतना मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है है ना जितना आज तक पढ़ाया है वो एक साइड हो गया और ये पूरा महीना एक साइड हो गया तो आपके पास समय है बाद में जब क्लासेस नहीं होंगी अगले महीने से फिर आप पछताओगे फिर सोचोगे यार अटेंड कर लेते तो अच्छा रहता तो फायदा उठाओ अभी भी बहुत सारी क्लासेस बची हैं रोज दो घंटे हम लाइव ले रहे हैं छह बजे और नौ बजे तो इनको आप फॉलो कीजिएगा जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कितने सारे वीडियोस हमने पहले से सिस्टमेटिक डाल दिए हैं और एक सबसे खास बात बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर 19, 20 और 21 तारीख को विनर्स की ऐप पर तीन दिन का ऑफर आ रहा है तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं पेड कोर्स लेना चाहते हैं कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग नोट्स प्रैक्टिस मटेरियल शीट्स टेस्ट तो विनर्स की ऐप पर तीन दिन का ऑफर आ रहा है आप इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं मोर देन ट्वेंटी फाइव प्लस कोर्सेज हैं तो तीन दिन नाइनटी परसेंट डिस्काउंट का ये ऑफर आ रहा है वापस ये आपको पता ही होगा ठीक है जी और ये अपनी मैथ्स की बुक आ रही है ये तब तक तुम्हें दिखाएंगे जब तक ये बुक आ नहीं जाती है ठीक है और आपने अगर मुझे अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इस पर आप फॉलो करिए और जितने बच्चों ने लाइक नहीं करा है लाइक करना है और आपको पता ही है यूट्यूब की फीस क्या है आपको केवल बस इस वीडियो के एंड होते ही एक अच्छा सा कॉमेंट आपको लिखना है कि आपको कैसा लगा ये ट्रिक जानकर सीखकर कैसा लगा और आपने सोचा था कि मैथ्स ऐसा भी हो सकता है और जो नए बच्चे हैं एक बार आप पुरानी क्लासेस देखिए मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आप अगर इनमें से कोई भी चैप्टर देख लोगे ना आपने अगर एक क्लास भी देख ली आप पूरे पूरे के पूरे वीडियो साफ कर जाओगे इतना मुझे कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये कॉन्फिडेंस है तो आप एक बार देख लीजिए आपका मन नहीं करेगा किसी भी वीडियो को छोड़ने का ठीक है जी तो आज अपनी क्लास जल्दी यहीं फिनिश होती है कल कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको सिखाएंगे डॉट छह बजे आ जाइए लेट होंगे तो फिर आपकी कोई गारंटी हम नहीं लेंगे समय पर आओगे तो आपको एक से एक बेहतरीन चीजें कल सिखाएंगे शाम छह बजे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय ध्यान रखिए अपना खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर